दोस्तों मऊ विधानसभा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी के परिवार को बड़ी राहत मिली है। जहां मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से जमानत अर्जी जो है वो मंजूर कर ली गई है। 2022 के इलेक्शन के दौरान हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था, जहां अब्बास अंसारी ने मंच से यह ऐलान किया था कि सरकार बनते ही उन अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा जिन लोगों ने जुल्म ढाने की कोशिश की है और जिन लोगों ने जुल्म को ढाया है। और यह कहना जो है अब्बास अंसारी के लिए जी का जंजाल बन गया और हेट स्पीच का मामला चलाते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और ना जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हेट स्पीच सामने आती है और कितने मामलों में जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, यह तस्वीर भी लोगों के सामने है। तो वहीं मऊ से दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कि एसपी द्विवेदी सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश अदालत द्वारा दिया गया है। और जैसे ही ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं तो हर तरफ खलबली मची हुई है एसपी द्विवेदी सिंह को लेकर के, और बड़ी राहत अब्बास अंसारी को मिली है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है दोनों मामले में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के लिए बड़ी राहत की खबर जो है वो सामने आई है। हेट स्पीच मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में जमानत अर्जी जो है वो मंजूर हो गई है, क्योंकि जमानत अर्जी को लेकर के ही तमाम अड़ंगे लगाए जा रहे थे। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। मुख्तार अंसारी के बेटे और वर्तमान में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मऊ सदर विधानसभा से चुनाव जीते थे, जहां उन्होंने राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान नगर क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तेजित और विवादित बयान दे डाला था। इसमें उन्होंने चुनाव के बाद अधिकारियों को रोककर उनसे हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दे डाली थी। इसी दौरान मंच पर अब्बास का भाई उमर अंसारी और उनका चुनावी एजेंट सहित कई लोग मौजूद रहे थे। प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए शहर कोतवाली में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506, 171, 1F, 186, 189, 153 ए, 120 वी के आधार पर विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी पर इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरोध पर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया, जो कि सीजीएम एमपी एमएलए कोर्ट में विचारधीन भी है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ मऊ से दूसरी बड़ी खबर जो है वो सामने आई, जिसमें विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट हर्ष अग्रवाल ने समन का तमीला होने के बावजूद साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित ना होने पर पुलिस अधीक्षक साइबर सेल लखनऊ द्रिवेणी सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट के साथ ही धारा 350 सीआरपीसी के तहत नोटिस भी उन्हें भेजा गया है। द्रिवेणी सिंह पर 3,000 रुपए हर्जाना लगाते हुए उनके वेतन से काटकर न्यायालय में जमा करने का भी आदेश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 20 जुलाई तय की है। दरअसल पूरा मामला जनपद मऊ के सराय लंगसी थाना क्षेत्र का है, जहां मामले के अनुसार विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट में थाना रायल खसी का एक मुकदमा स्टेट बनाम
प्रवीण आदि अपराध संख्या 437 1999 धारा 323 325 427 440 धारा 31 10 SC ST एक्ट विचारधीन चल रहा है। इस मामले में विवेचक रहे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्रिवेणी सिंह जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक साइबर सेल सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ में इस वक्त कार्यरत है, उनका साक्ष्य अंकित होना है। उन्हें न्यायालय से कई बार समन भेजा गया जहां तामिला के बाद साक्ष्य के लिए त्रिवेणी सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र के साथ ही धारा 350 CRPC की नोटिस जारी की है। विशेष न्यायाधीश ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को ये आदेश दिया है कि त्रिवेणी सिंह के वेतन से 3,000 रुपए की कटौती कर न्यायालय में जमा कराया जाए, जो बार बार उनकी तरफ से कोर्ट के मानने की अवहेलना की जा रही है। विशेष न्यायाधीश ने अपने पत्र में लिखा है कि मामला 20 वर्ष पुराना है जिसका निस्तारण नहीं किया जा सका है। इसके लिए पूर्ण रूप से पुलिस विभाग और उपरोक्त साक्षी जिम्मेदार हैं। उन्होंने साक्षी द्रिवेणी सिंह के विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र के साथ ही धारा 350 CRPC की नोटिस पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भेजा है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। इसमें उन्हें अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसमें उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष 20 जुलाई को प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। अगर साक्षी अग्रिम तिथि तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। जहां SP त्रिवेणी सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जहां पुलिस अधिकारी ही कोर्ट का संविधान का मजाक बनाते हुए दिखाई देते हैं, जहां कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोर्ट में हाजिरी नहीं देते और फिर उनको लेकर के खड़ा एक्शन जो है मऊ की निचली अदालत द्वारा किया गया है, जो कि एक बेहतरीन नजीर बन करके पेश हुआ है, जहां कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां जी भर के उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं मऊ विधानसभा सदर और वहां के विधायक अब्बास अंसारी को लेकर के जो कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है वो मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए बड़ी राहत की तरह है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों मुख्तार अंसारी के परिवार को टारगेट किया गया सरकार प्रशासन द्वारा, वो चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आएंगी, हर एक चीज आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।